गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। एक बार मैंने ज्योग्राफी का पढ़ाया था, उसको दोबारा रिवाइज करा, और ये चैप्टर है हिस्ट्री का, इसको भी मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। बच्चों, कोई पता नहीं हमारे स्कूल कब खुलेंगे और क्या होगा। नोटबुक भी चेक की जाएगी टीचर्स के द्वारा, और ये दोबारा से हमारे पास टाइम नहीं है कि स्कूल आने के बाद ये दोबारा से आपको पढ़ाया जाए। कम समय है, इसलिए हम बार बार आपको ये कहा जा रहा है, जो भी आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जा रहा है वर्क, उसको लिखो, पूरा करो। फेयर नोटबुक में ही करना है। अब तक तो हमने आपसे कहा था एक नोटबुक में करिए, पर अब नहीं, आपको ये फेयर में ही करना है, सुंदर अक्षरों में करना है, ताकि हम आपकी नोटबुक चेक कर सकें। तो ये चैप्टर है हिस्ट्री का फर्स्ट, और क्लास सेवेंथ के लिए है, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कहाँ, कब और कैसे। देखो, आपको पता है चैप्टर में हिस्ट्री के बारे में पता है, प्रीवियस, पहला जो कुछ हो चुका है उसके बारे में। तो आप सब जानते हैं, जो भी कुछ हुआ है उसको हिस्ट्री में लिखा जाता है, और उसको हमें दोबारा से समझाया जाता है कि पहले समय में लोग कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनके रहन सहन, उनका हर एक चीज़ें उनमें बताई गई है। तो इसमें मैं बता रही हूँ, पहले समय में लोगों को यही पता नहीं था कि किस तरह से अनाज उगाना है, या कैसे कपड़े पहनने, या ये लोग किस तरह से जीवन जीते थे, आप समझ सकते हो। मध्यकाल में इसमें काफ़ी चेंजेस हो गए। मध्यकाल में लोग इतना तो सीख गए, खाना पका के खाना, खेतों में अनाज उगाना, और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहना, तन पे कपड़े पहनना, तो कुछ ऐसी लैंग्वेज भी होने लगी जिससे एक दूसरा आराम से समझने लगा। धीरे धीरे करके ये 8th सेंचुरी में हमारे भारत में इसको स्टार्ट हुआ था मध्यकाल, और धीरे धीरे सभी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ, इनके सब के से लोगों का जीवन बदलने लगा, और यही हिस्ट्री में दिया है। तो आप देखो, आप जो मॉडर्न है, मॉडर्न युग है, इसमें तो आप बहुत चेंजेस देखते हो, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई है, हम सब सीखते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसको समझो और अपनी किताब सामने रखे। जब भी मैं पढ़ाती हूँ, अपनी बुक सामने रखे, देखा करो कि इसमें अगर कुछ सेंटेंस या कुछ रह गया हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ तो सकते हो। जब तक आपके पास बुक्स नहीं है, आप सामने रख के नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो बच्चों, ये आज के लिए काफ़ी है। आप इसको जो मैंने पढ़ाया इसको समझो, और फिर नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।